Hello everyone. So in the previous lecture we have defined what is a function as a relation. So we will continue that part, and in relations what we have done, we have defined what is a relation and we have defined that what is the domain and range of a relation. So here we will look at what is the domain and range of a function. So what is a function? We will just recall that a function, what the function means. So a function, so again we will look at a function f, I will denote it by f, from a set a to a set b, okay, associate, it means that the function will associates each element or member of the set A to a unique element of the set B. So this is the definition, and we will write a simple things. For example, if A belongs to A, for example, A belongs to A and B belongs to B, then I will write B is equal to F of A, because A will map to B. That's what we have shown, that A will map to B. So B is called the what? B is called the image of A. That we will look. So अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको एक एरो डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि एरो डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे. तो जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, एग्जांपल ए इज अ सेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, और बी हमने कोई भी सेट लिया 6, 7, 8, 9 एंड 10. सो कई सारी चीज़ें हम इसी से एक्सप्लेन करेंगे कि हमने एक एरो डायग्राम बनाया, तो हम इसको एरो डायग्राम से समझते हैं कि एरो डायग्राम से कैसा होगा. तो ए इज अ सेट एंड बी इज अ सेट. तो ए में हमने रखा 1, 2, 3, 4 एंड 5, और बी 6, 7, 8, 9 एंड 10. नाउ 1 विल मैप टू 6, 2 maps to 7, 3 maps to 9, 4 maps to 10, and 5 maps to 8. Alright? So, all the elements of, again we will apply the definition. So, all the elements of A is associated to it is unique element of B. It means that every element of A is associating to unique element of B. So this is a function. So now we will define few things. So it means that for every A belongs to A, there exists B belongs to B, such that B is equal to F of A. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि A अगर हमारा 1 है, तो what is the image of 1? So we say that B is the image of A under F. ये तो definition हो गई कि B को हम, जो small b हमारा है, उसको हम क्या कहेंगे, it is the image of small a under F. और अच्छे से लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं B belongs to B is the image of A belongs to A under F. Alright? So, ये हमारा जो दूसरा एलिमेंट, जो इसका एलिमेंट होगा B का, तो वो हम कहेंगे उसको कि वो इमेज है किसका, A का, और किसके अंडर, अंडर द फंक्शन F. Alright? So, here and also A is called pre-image of what? Pre-image of B under F.
अंडर एफ. सो वी विल से दैट बी इज इक्वल टू एफ ए अगर हमारे पास है, या एफ ए इक्वल टू बी है, हम बी हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं इसको और क्या लिख सकते हैं, एफ ए इज इक्वल टू बी. तो बी जो है वो ए का इमेज है, बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ बी. तो ये दो टर्म क्लियर हुए हमें. अब देखिए जो हमारा एक ए सेट होगा दैट वी विल कॉल्ड, तो सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ. ऑलराइट, एंड हियर बी इज कॉल्ड, कैपिटल बी जो हमारा सेट है उसको हम कहेंगे द को डोमेन ऑफ द फंक्शन, को डोमेन ऑफ एफ. तो पहला सेट जो हमारा हुआ वो डोमेन हो गया, और दूसरा सेट हमारा जो हुआ उसको हम को डोमेन कहेंगे. तो ये चीज क्लियर है. तो देखिए एफ ऑफ वन क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं. इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ वन क्या हुआ, इसका मतलब है कि वन किस पे मैप हो रहा है, वन सिक्स पे मैप हो रहा है, देयर फॉर एफ ऑफ वन इज सिक्स. ऑल राइट, इन द सिमिलर वे एफ ऑफ टू इज वॉट, टू इज मैपिंग टू सेवन, देयर फॉर एफ ऑफ टू इज सेवन. एफ ऑफ थ्री इज वॉट, थ्री इज मैपिंग टू नाइन, देयर फॉर एफ ऑफ थ्री इज नाइन. एफ ऑफ फोर इज वॉट, फोर इज मैपिंग टू टेन. एंड वॉट इज एफ ऑफ फाइव, फाइव इज मैपिंग टू एट. देयर फॉर सिक्स इज वॉट, सिक्स इज द इमेज ऑफ वन अंडर एफ. इसको ऐसे पढ़ेंगे कि सिक्स इज द इमेज ऑफ वन अंडर एफ, सेवन इज द इमेज ऑफ टू अंडर एफ एंड सो ऑन. नाइन इज द इमेज ऑफ थ्री अंडर एफ, टेन इज द इमेज ऑफ फोर अंडर एफ, एट इज द इमेज ऑफ फाइव अंडर एफ. नाउ वन इज कॉल्ड द, वन इज वॉट, वन इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सिक्स अंडर एफ, टू इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सेवन अंडर एफ, इज इट ओके. नाइन, थ्री इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ नाइन अंडर एफ. तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे. ये तो हमने ये जान लिया कि डोमेन क्या है, इमेज क्या है, और कोडोमेन क्या है, और हम प्री इमेज कैसे डिटरमिन करेंगे. तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, आगे हम रेंज के बारे में सीखते हैं कि रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो अब डिफाइन करते हैं रेंज हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले वो सीख लेते हैं. तो रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो रेंज ऑफ अ फंक्शन, देखिए डोमेन इज ऑल्सो अ सेट, को डोमेन इज ऑल्सो अ सेट, रेंज इज ऑल्सो अ सेट. जैसे हमने फंक्शन, जैसे हमने रिलेशन में डिफाइन किया था, इन द सिमिलर वे हम यहाँ पर भी फंक्शन के लिए डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं रेंज क्या होता है. रेंज एक सेट होता है. कैसा सेट होगा, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस, मतलब जो भी हम जितने भी उस फंक्शन की एलिमेंट्स के इमेजेस बनेंगे, जैसे ए हमारा डोमेन है तो ए के जो एलिमेंट्स की जो इमेजेस बनेंगी उनको हम सबको कलेक्ट कर लेंगे एक ही सेट में. सेट ऑफ सेट, तो द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस, ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, क्योंकि इमेज हम किसकी ले रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए की, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन. तो आई विल से डोमेन, और किसके अंडर में, अंडर द फंक्शन f, under the function f is called, is known as, or is called as the range of the function, range of the function, for example f is a function, therefore, so what we are doing, a is a set और हम उसकी range निकाल रहे हैं. तो जो रेंज ऑफ फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए, क्योंकि हम ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज का कलेक्शन करने जा रहे हैं. देयरफॉर द रेंज इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए. ऑलराइट, एंड व्हाट इज दैट, एफ ऑफ ए इज अ कलेक्शन ऑफ एफ एक्स सच दैट, या एफ ए हम ले क्योंकि हमने ए लिया है, तो एफ ए विल कलेक्ट द इमेजेस, एफ ए
सच दैट, अब ए कहाँ का मेंबर है, तो यहां लिख सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, तो जो हमने ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था, एग्जाम्पल दिया था, तो वन इज मैपिंग टू सिक्स, वन इज मैपिंग टू सिक्स, टू इज मैपिंग टू सेवन, तो जितने भी पॉइंट्स मैप हो रहे हैं, मतलब वन की इमेज क्या है, देखिए सिक्स, सिक्स इज द इमेज ऑफ वन, तो रेंज जो ऊपर वाले क्वेश्चन में होगा, तो रेंज हमारा जो होगा वो सिक्स होगा। फिर सेवन यानी टू की इमेज क्या है, सेवन, सारे इमेजेस का कलेक्शन, इसी तरह सेवन हो जाएगा, इसी तरह एट हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रेंज सेट आ गया। किसका रेंज आया, ए का, सॉरी रेंज किसका आया, फंक्शन का, डोमेन रेंज किसी फंक्शन के होंगे, तो इस फंक्शन का हमने रेंज निकाल लिया। और इसका डोमेन क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा हमारा, किसका, ए, जो पहला सेट है उसके जो कंपोनेंट्स हो गए वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे डोमेन में आ गए। तो डोमेन क्या होगा, तो ये तो हमारा रेंज ऑफ एफ था, जो ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया ये हमारा रेंज ऑफ एफ है, इसी तरह हमारा डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू व्हाट, पूरा इंटायर सेट हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफाइन किया ए इज कॉल्ड द डोमेन एंड बी इज कॉल्ड द कोडोमेन एंड द सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज कॉल्ड द रेंज, दैट इज द डिफरेंस। देयरफॉर द डोमेन ऑफ एफ इज व्हाट, 1 2 3 4 5, ऑलराइट। तो इन दिस वे वी हैव फाउंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ऑलराइट। नाउ वन कैन ऑब्जर्व दैट, तो उसका हम एग्जांपल भी देंगे क्या, तो हम ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन हम ये करेंगे कि जो कोडोमेन है और रेंज है, जरूरी नहीं हो ये इक्वल हो, तो वी विल नोट दैट the range of the function f need not be equal to codomain, all right, it may or may not be equal, range is equal, तो range जब codomain के equal होगा, then we have a different category of the function that we will discuss, तो range may be a subset of codomain, so range may be, or I will write maybe, not maybe, it always, range is subset of, range of a function f is a subset of, is a subset of codomain, and my codomain is what, it is a set B, okay, so in the, so इसका हम example देख सकते हैं कि range जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो हम एरो डायग्राम से उसको देखते हैं, एक फंक्शन, एक दो सेट बनाते हैं ए और बी, इस बार डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने वन लिया, टू लिया और थ्री लिया, और यहाँ ले लिया ए बी और सी ले लिया। अब देखिए वन को हमने मैप कराया ए पर, टू को भी ए पर कराया और थ्री को भी ए पर कराया, थ्री को सॉरी बी पर कराया, तो ये हमारा फंक्शन हो गया एफ, तो ये हमारा f फंक्शन हो गया, वन इज मैपिंग टू a, टू इज मैपिंग टू a, थ्री इज मैपिंग टू b एंड c इज लेफ्ट, मतलब c का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, प्री इमेज हमने ये बताया था। तो अब हम इसका डोमेन निकालते हैं, सबसे पहले डोमेन और कोडोमेन देखते हैं क्या होगा, डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन जो होगा वो इंटायर सेट a हो जाएगा, दैट इज 1 2 3, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन बाय डेफिनेशन b होगा सेट, तो b सेट क्या है, a b c, एंड व्हाट इज माय रेंज, तो रेंज ऑफ फंक्शन का, रेंज का मतलब क्या हुआ हमारा, रेंज का मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना है कि कौन से इमेज में बन रहे हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस, तो वन की इमेज a, तो a हो गया हमारा, और टू की इमेज भी a है, तो क्योंकि रेंज एक सेट है तो एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, सो ओनली a विल बी देयर, एंड देन 3 is mapping to B, therefore B will be there. Now look at here, that range is not equal to codomain, but it is a subset of what? So range is subset of, that is, तो range हमने किससे denote किया था? F of A से, and F of A is subset of B. तो हमने यहाँ ये show किया कि range जो है किसी function का, जरूरी नहीं हो कि वो codomain के equal है.
तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या किया। हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन रिवाइज की, और फिर उसके बाद ये देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो एफ ए इक्वल टू बी टाइप का बनेगा, मतलब स्मॉल ए, एफ ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी। सो ए, ए का इमेज बी है, एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, तो बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। ओके, तो ये हमने सीखा इमेज और प्री इमेज के बारे में। फिर उसके बाद सेट ए जो था वो हमारा डोमेन कहलाएगा और सेट बी जो है वो हमारा को डोमेन कहलाएगा। फिर एक एग्जांपल से हमने ये देखा, फिर हमने रेंज ऑफ फंक्शन डिफाइन किया। तो रेंज ऑफ फंक्शन इज द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, यही हमने डेफिनेशन में लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फॉर रेंज ऑफ द फंक्शन वी विल कलेक्ट द इमेजेस सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने रेंज और डोमेन फाइंड करके देखा, और फिर ये देखा कि रेंज मे नॉट बी इक्वल टू को डोमेन। सो वॉट इज द केस दैट दिस वन इज अ केस जिसमें डोमेन को डोमेन निकाला और रेंज निकाला और ये ऑब्टेन किया कि रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन, इट इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। इट मे और मे नॉट बी इक्वल, समटाइम्स इट विल कम दैट रेंज इज इक्वल टू को डोमेन, लाइक द अबव एग्जाम्पल। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा रेंज और को डोमेन सेम आ रहा है। ऑलराइट।